चालू है दोस्तों। आज मैं जैसे ही सुबह सोकर के उठा, ठीक है, उसके बाद मैंने अपना फ़ोन छुआ और उसके बाद मैंने अपना YT शुरू खोला, ठीक है, YT शुरू खोला। सब लोग खोलते हैं भाई, एक यूट्यूबर अगर होगा तो उसको पता होगा भाई, तुरंत अपना YT शुरू खोलता है, अगर उसको टाइम मिलता ना तुरंत अपना YT शुरू खोलता कि आखिरकार मेरा चैनल कैसा चल रहा है, कितना क्या व्यूज आया है लास्ट वीडियो पर। तो भाई मैंने भी खोला, देन उसके बाद मैंने देखा तो भाई सब अच्छा चल रहा था, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था, मेरा चैनल वही मोनेटाइज था, ठीक है, मैंने रेवेन्यू भी बनी हुई थी आज की, तो मैंने देखा तो भाई सब कुछ सही था। देन उसके बाद मैंने अपना फ़ोन रख दिया और मैंने सोचा कि नहा वगैरह लेता हूँ, देन उसके बाद मैं अपना वीडियो शूट करूँगा। तो मैंने क्या किया कि नहाया और उसके बाद जो है दीदी को जो है कॉलेज जाना था, तो मैंने उसको मतलब कि ड्रॉप करने चला गया, छोड़ने चला गया। तो क्या हुआ, जब मैं लौट करके आया तो मैंने सोचा कि चलो अब वीडियो बनाते हैं, तो मैंने अपना YT शुरू खोला। अब जैसे मैंने अपना YT शुरू खोला तो भाई मुझे एक ऐसी चीज़ देखने के लिए मिली ना कि भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ठीक है, मतलब कि भाई मैंने देखा कि भाई परसों वाली वीडियो पर कितना व्यूज आया हुआ है, ठीक है, थंबनेल वाली मैंने अपलोड की हुई थी, तो मैंने देखा कि उसका कितना CTR है, कितना मतलब कि व्यू ड्यूरेशन है, तो मैंने उसको देखने के लिए मैंने कंटेंट पर क्लिक किया ताकि मैं उस वीडियो को देख सकूं। तो मैंने उस पर क्लिक किया और आपको पता है कि भाई उसमें तीन ऑप्शन रहते हैं, पहला होता है देखो जो पब्लिक आइकन बना होता है, अगर आपका वीडियो पब्लिक होगा या फिर अनलिस्टेड होगा या फिर प्राइवेट होगा, पहला आइकन बना रहता है, दूसरा लाइक का होता है, फिर तीसरा मोनेटाइज का होता है, ठीक है, मोनेटाइज का आइकन होता है, डॉलर होता है, ठीक है, उसके बाद आपका जो कमेंट आ जाता है। तो मैंने देखा कि भाई ये तीन तो थे बट एक गैप था मेन वाला, जिससे भाई मेन स्रोत होता अर्निंग का, वो भाई डॉलर का आइकन ही गैप था। तो भाई मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया, एक मिनट के लिए भाई बिल्कुल शॉक हो गया, बिल्कुल दिमाग बिल्कुल मान सकते हैं कि बिल्कुल जाम हो गया, बिल्कुल कि यार हो क्या गया, मैंने कोई गलती भी नहीं की थी, आखिरकार ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि भाई आपको पता है कि अगर चैनल आपका डिमोनेटाइज हो जाता है तो भाई आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब कि आपका दिमाग नहीं काम करे क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की है, और ऐसे अगर हो जाए तो भाई कैसे कैसा लगेगा। तो मैंने क्या किया कि भाई जल्दी से मैंने दो तीन लोगों को फ़ोन लगाया, ठीक है, जो यूट्यूबर्स दोस्त हैं मैंने उनको फ़ोन लगाया, उनसे पूछा कि भाई मेरा डॉलर वाला आइकन गायब हो चुका है, ठीक है, वो भी अपना YT खोले देखे तो भाई उनका भी गायब था। तब भाई थोड़ा सा मुझे सुकून मिला कि हाँ कोई मतलब कि इनका अगर गायब है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो दो तीन लोगों को मैंने फ़ोन लगाया तो भाई दो तीन लोगों का भी गायब था, मेरा भी गायब था, ठीक है। इसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पर खोला तो भाई काफ़ी सारे मैसेज भी आए हुए थे कि भाई हमारा भी गायब हो चुका, हमारा ये गायब हो चुका, भाई हमारा चैनल डिमोनेटाइज हो चुका, कुछ लोग भाई मेंशन कर रहे हैं। तो भाई मैंने सोचा कि भाई ये प्रॉब्लम आखिरकार आई क्यों। फिर मैंने क्या किया कि अपना मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन खोला, उसमें गया, देखा तो भाई मेरे चैनल मोनेटाइज था, ठीक है, मतलब कि मेरा चैनल मोनेटाइज था और आज की रेवेन्यू भी बनी हुई थी, ठीक है। तो भाई आखिरकार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको कैसे आप लोग ठीक कर सकते हो, आज किस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग एंड तक देखिएगा। देखो भाई आपको बता दूँ कि यूट्यूब आपको पता है कि भाई अपने प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सारे सुधार करता रहता है, काफ़ी सारे चेंज करता रहता है, अपने टाइम टाइम पर जो है अपने प्लेटफॉर्म पर चेंजमेंट करता रहता है, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करता रहता है। अब इस बीच क्या होता है कि भाई कुछ देखो, अगर आप लोग दिमाग के साथ भी कुछ करोगे, ठीक है, तो भाई वो गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा सा उथल पुथल हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जो YouTube पर है, ठीक है, अब जैसे एक्सपेरिमेंट करता रहता है, उथल पुथल करता रहता है, तो भाई कुछ मशीनरी में गड़बड़ी आ जाती है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये, ठीक है, मतलब अपनी भाषा में बोला जाए तो मशीनरी में गड़बड़ आ गई थी, ठीक है। तो भाई ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, बग चलता रहता है YouTube पर। अभी पता कि भाई काफ़ी सारे YouTube पर बग चलते रहते हैं, अब देखो यही बग आ गया, डॉलर वाला आइकन ही गायब हो चुका है। अब ऐसा बात नहीं कि आपका जो चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, आपका कि मतलब चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है, आपका चैनल मोनेटाइज है, आपकी वीडियोज पर एड्स भी आ रही हैं। जैसे आप लोग अपनी वीडियो को प्ले करोगे तो भाई आपकी वीडियोज पर एड्स आ रही हैं, बट ये थोड़ा सा बग है, जो कि दोस्तों यूट्यूब पर कुछ ना कुछ बग चलता ही रहता है, क्योंकि भाई एक्सपेरिमेंट होता रहता है तो इधर उधर गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो भाई ये बग है, आप लोग टेंशन मत लो, काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर मतलब DM कर रहे हैं, ठीक है, कुछ मेंशन कर रहे हैं, मैंने देखा मेरा भी भाई मतलब दिमाग ख़राब हो गया था, लेकिन होता है भाई, क्योंकि भाई ये मेहनत है आपकी, तो भाई आप टेंशन मत लो, ये भाई एक बग है, बहुत जल्दी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है, और बाकी टेंशन मत लो, थोड़ी देर में कुछ ही देर में आपका ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा, सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद होगी, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है हमेशा आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और YouTube वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जगह के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय।